हर एक रूम में ना आपको बालकनी फैसिलिटी मिलती है। ये असली है या ये नकली है? ये बंदा मेरे रोज व्लॉग देता। नान आपको 60 रुपए का मिलता है, बटर नान आपको 80 रुपए का मिलता है। Hey guys, hi and welcome back once again to Young Sun Vlogs. मैं हूं राहुल और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रॉम दिस अमेजिंग प्लेस, फ्रॉम दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है वन अर्थ द हेरिटेज कुद, और यहाँ का व्यू जो है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो कल हम यहाँ पर आए थे, कल हमने पत्नीटॉप नथरटॉप जो है घूमा था। सेल्फ कुकिंग जो है वो हमने करी थी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन बाकी जो है वो चले गए थे। एंड वी स्टेड हियर इन दिस प्रॉपर्टी, आई लव कुद, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इस होटल के हर एक कमरे से ना आपको व्यू मिलता है, जितने कमरे हैं, इट हैज़ गॉट 17 रूम्स, और हर एक कमरे से आपको बालकनी से जो व्यू है माउंटेन्स का वो देखने को मिलता है। और अभी हम यहाँ से करने वाले हैं चेकआउट। सुबह हमने कर लिया था ब्रेकफास्ट और लेट किया था, तो अभी हम लंच जो है लेट करने वाले हैं। बट अगेन पॉइंट इस कि यहाँ से आपको जो व्यू है ना बहुत ज़बरदस्त मिलता है, और बिल्कुल खुद की मेन मार्केट जो है ना वो आपको सामने वहाँ पर दिखती है, प्रेम स्वीट शॉप। तो मेन मार्केट सामने आपको दिखता है वन अर्थ होटल द हेरिटेज कुद, एंड इट्स अ चेन ऑफ होटल्स, राइट। वन अर्थ का होटल ये भी है, और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में भी ये होटल जो है वो पाए जाते हैं। सो भाई, ये होती है एक ब्लॉगर की ज़िंदगी, तू तू हो रही होती है हर जगह से, लाड़ी जड़ी ओने पूछती, उसी लगता बाहर फिरने के दे, लेकिन हम गए थे कॉन्टेंट डिलीवर करने के लिए। ए पापा जैसी मार दे ना, ये आंद वो तो बंद करी, ओ खोल भरावा, ओ भैया खोलो, बदतमीज। चलो, हम फ्री में बैठे हैं यहाँ पे, तो पैसे ले लो। यार ओके, 3 बज गए, हम 3 बजे से मर्दी बुरा। चलो भाई चलते हैं अब। और हमारा पूछा पूछा चिट बेबी चिट बेबी, चलो आ जाओ। लेकिन सही बताऊं तो इस प्रॉपर्टी से चेकआउट करने का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं भाई। तो वो सीढ़ी से बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पर आपको मिलता है पहला गार्डन, यहाँ पर आपको मिलता है दूसरा गार्डन, एंड दिस इज़ द वॉकिंग स्पेस, और सामने आपको ख़तरनाक व्यू मिलता है शाम के टाइम। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं, दैट इज़ सिटिंग स्पेस। और एक बार जल्दी से मैं आपको ना इनका जो रेस्टोरेंट एरिया है वो भी दिखाया था, वो भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर रेस्टोरेंट है, नीचे इनका बार है, यहाँ पर आपको सिटिंग स्पेस मिलती है। सो यस, दिस इज़ देयर रेस्टोरेंट एरिया, राइट। तो यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज जो है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, और इनके जो रेट्स हैं दे आर ऑल्सो प्रिटी डिसेंट, कुछ ज़्यादा महंगे रेट्स नहीं है। तो आई थिंक इस जगह पे आपको ज़रूर आना चाहिए, और अभी यहाँ से निकलते बिकॉज टाइम टू मेक सम रील्स नाउ। और बाहर प्रॉपर्टी कैसी दिखती है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि हर एक रूम में ना आपको बालकनी फैसिलिटी मिलती है, टोटल यहाँ पर 17 रूम है, फैमिली रूम भी है। एक रूम इनके पास ऐसा है जहाँ पर आपके 6 से 7 लोग आ सकते हैं, फैमिली रूम है, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए RJ राहुल ऑफिशियल, वहाँ पर दिख जाएगा। एक रूम है फैमिली रूम जहाँ पर आप 4 लोग जो है रुक सकते हैं। एक है इनका द प्राइम, द हेरिटेज स्वीट कहा जाता है, तो वहाँ पर आपके 7 से 8 से 9 लोग जो है वो भी ईजिली अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये है इसका कुछ बैक का व्यू, और यहाँ पर आपको मिल जाता है दिस अमेजिंग व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एक बार चेकआउट करो भाई, इट इज़ लवली ना। यहाँ पर आपके ओपन किचन जो है, लाइव किचन जो है, लाइव रेस्टोरेंट वो भी यहाँ पर है, और वहाँ पर बैठे हमारे पुच्छा पुच्छी जो वेट कर रहे हैं भाई कब रील बनेगी। और ये आ जाता है इनका लाइव रेस्टोरेंट एरिया, शाम को यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर स्नैक्स इन्जॉय करिए, और सामने आपको मिल जाती है टूवर्ड्स माई दिस साइड द मेन पत्नीटॉप मार्केट, जिसे कुद मार्केट जो है वो भी कहा जाता है। सामने आपको मिलता है प्रेम स्वीट्स। तो जैसे वहाँ से आते हैं सामने आपको ना यही प्रॉपर्टी जो है ये देखने को मिलती है। तो अभी चेकआउट हम करने वाले हैं, करने ही वाले थे, तो होटल वालों की तरफ से लेमन वाटर आ गया, नीड ऑफ द आवर। हालांकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बस स्टिल गर्मी में मौसम जब कोई ठंडी चीज़ परोसी जाती है तो इट फील्स गुड, इट फील्स ग्रेट इनफैक्ट। और बेबी का फोटोशूट अभी हमने कर लिया है, अभी यहाँ जाएंगे हम टूवर्ड्स पत्नीटॉप ऊपर, और फिर रात टाइम सोचा कि भाई लंच करने हम जाने वाले हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट में। प्रॉपर्टी से कर लिया है चेकआउट, और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अनदर डेस्टिनेशन, उसके बाद फिर शाम को निकल जाएंगे घर की ओर। अगेन मैं बताऊँ भाई, यहाँ पर मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इट इज़ क्वाइट प्लेजेंट ओवर हियर। कोई ज़रूरत नहीं पूछने की ब्रो, हम वहीं पर जाएंगे, मैं वापस लेकर जाऊँगी अगर नहीं हुआ नीचे तो। अभी हम जा रहे हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट, और देखा मैं कहा था, मतलब भाई मेरी मेमोरी जो है ना वो एक किसकी हाथी की मेमोरी बोलते बहुत तेज़ होती है, मेरी उससे भी ज़्यादा तेज़ है। एंड नाउ वी हैव रीच्ड एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तुमने बोला कहीं पे है बदतमीज, कुदरे
या कहीं और या। अब ये अब नहीं जाता, अब देख, अब देख तू मजा, अब तू गया, अब तू गया है, वो है सामने यार, नहीं नहीं वो सॉरी ट्रक मोटर वाला टैंकर तेल वाला मुझे वहां पर है, ऊपर हवा कुदर है वहां पर, हमें काफबेरी दिख रहा है और एरोप्लेन रेस्टोरेंट कहीं नहीं है, बट फिलहाल हम जाकर लंच वहीं पर करने वाले हैं और फिर वहां का टेस्ट कैसा है वो आपको बताएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट। पापा मेरी लगा दी रोटी पता नहीं कड़ी होनी, लगा दी ठीक नहीं होनी, क्योंकि ज़्यादा जो हाइप चीज़ें होती है ना वहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है। बट यस पहले हम कमेंट नहीं कर सकते, तो फिलहाल पहले हम तो जाएंगे। ज़्यादा लोग अब यहाँ पर देखोगे भैया फोटो खिंचा रहे हैं, बट बेसिकली बना ही फोटो शोटो खिंचाने के लिए यार, कंसेप्ट बिल्कुल नया आया खासकर अपने जम्मू में। चलते हैं। वैसे ना आई एम नॉट श्योर कि असली एरोप्लेन है नकली है, बस नकली इतना बड़ा बना नहीं सकते, बट इसको यहाँ पर लेकर कैसे आएंगे इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। डिसम्बल करके लाएंगे शायद, तो पूरा तोड़ तोड़ के लाए होंगे। कहाँ से लेना है पास? अच्छा क्या पास, पास का क्या होता है? तो यहाँ पर भाई पास से एंट्री होती है अपने, पर इंडिविजुअल है 100-100 रुपये का पास होता है। बच्चे का पास थोड़े अंदर 5 ईयर्स ओके, तो हमारा 5 ईयर्स ऊपर नहीं 100-100 पास होगा, लेकिन ये पास जो है ये रिडीमेबल है, तो ये नहीं कि यहाँ से आपको एक्स्ट्रा करना है, तो आपको जो बिल है उसमें से ये जो 200 रुपये 300 रुपये जो भी आपका होता है वो कट जाता है, तो 100-100 रुपये के हिसाब से होता है। ये असली है या ये नकली है? असली है ओके, तो असली जहाज है भाई, इसको बाद यूज़ नहीं होगा तो भाई यहाँ पर आकर रख दिया, कंसेप्ट इज़ गुड। चलो भाई नहीं चलना तो है, रील बनानी पहले घर जाए भी नहीं करना, पहले रील बनानी है पैसे खर्च, और पहले कुछ अंदर चलते हैं रील का बनानी है, कहाँ रख रहा है सामान, चलो बाद में बनाएंगे तब तो मौसम भी ठीक हो जाएगा थोड़ा। चलो भाई असली जहाज पता नहीं बैठे नहीं बैठे कदा है, लेकिन इस जहाज बैठा नहीं नहीं ठीक है अंदर, आई होप एसी होना चाहिए, बट एसी है ही है लग तो रहा, और अंदर रश कैसा है वो अंदर जाकर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ओके, दैट इज़ गुड। एसी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है ठीक है। सो है तो ये असली एरोप्लेन ही है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है ठीक है, तो आई बिलीव ये किसी का चार्टर्ड प्लेन होगा, उसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर बाहर बताऊँ गर्मी है, लेकिन अंदर जो है वहाँ पे आपको एसी लगा है बड़ा सारा, वहाँ पर भी एसी लगा हुआ है, तो अंदर अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन्ड है, खिड़कियाँ वहाँ से भी खुली हैं, खिड़कियाँ वहाँ से भी खुली हैं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा चिलिंग है। अच्छा है माहौल तो अच्छा है अंदर, एंड प्लेस इज ऑल्सो गुड, काफ़ी अच्छी वाइब देता है, अलग से वाइब देता है। अब खाना कैसा है वो देख लेते हैं, ऑर्डर करेंगे, और खाने के रेट्स आपको बताया तो नान आपको 60 रुपये का मिलता है, बटर नान आपको 80 रुपये का मिलता है, गोभी परांठा 210 रुपये का मिलता है। अच्छा जी कुछ सबसे ज़्यादा नहीं है ये भैया रेट भी ना, वैसे ना कि नॉर्मल रेस्टोरेंट वाले 100 बढ़िए 200 रुपये बढ़िया जाए ओके, तो चलो यार अभी कुछ ऑर्डर करते हैं। प्राइसेस इनके लो नहीं हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है मीडियम साइज़ के हैं। अगर आपको बताऊँ आपको परांठा यहाँ पर मिलता है, तो पूरी भाजी आपको यहाँ पर मिलती है 210 रुपये की, चना भटूरा यहाँ पर आपको मिलता है 230 रुपये का, गोभी परांठा 210 रुपये का, पनीर परांठा 250 रुपये का, थोड़ा सा उस हिसाब से नॉर्मल रेट से देखा जाए तो उससे ज़्यादा रेट्स हैं इनके ठीक है, और जैसे जस्ट लाइक ऑपरेटेशन के देखोगे तो उसके कंपेरेटिवली कहीं ना कहीं इनके रेट्स हैं। टेस्ट कैसा है हम चेक करते हैं, अभी हमने ऑर्डर किए हैं नूडल्स स्ट्राइक। चलो जी कुछ अभी आ गया पहली बार आज प्लेन में, एरोप्लेन एरोप्लेन बोलो घर पे में एरोप्लेन बनती थी एरोप्लेन पूछा हाउ इज एरोप्लेन, देखो बा भाई देखो नानू देख रही देखो बा। चलो भाई बाहर देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। ऐसा होता भाई दिस इज अ फादर रोल इन द ट्रिप, किद्दी का खाना बाद में आएगा, सबसे पहले हमें किद्दी के लिए बनाना है दूध, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, एंड दिस इज फाइव। इसे रखेंगे अंदर, बेबी दूध बन रहा है आपका दूध, ओपरा वहाँ पहले दिख लें ठीक है। और ये रेस्टोरेंट इतना सही नहीं है भाई, बाहर भी है, अब यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर भी सिटिंग स्पेस है, मतलब बनाया तो अच्छा है यार ठीक है, अलग कंसेप्ट है और उस अलग कंसेप्ट के पैसे खर्चने का मन भी करता है ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सिटिंग मिल जाती है, और यहाँ पर भी ना विदाउट एसी मैं आपको बताऊँ
अभी यहाँ पर ना अच्छी खासी धूप है, ठीक है। बाहर अगर आप खड़े रहोगे शायद गर्मी भी लगेगी, लेकिन अंदर आपको बिल्कुल भी गर्मी लग रही है। एंड इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मतलब एक तरह से प्रमोशन तो हो रही है बट इट इज़ नॉट अ पेड वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा आपको वहाँ पर छोटा सा पूल भी है, आई डोंट नो कि वो किस लिए है, उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर उसके चार्जेस अलग हैं। तो वहाँ पर भी आपको अलग से स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको अलग से स्पेस मिल जाती है। अब है क्या क्या यहाँ पर, आई थिंक पहले हम लंच कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार चीज़ें हैं क्या। बट अगेन ये पॉइंट इज़ कि पत्नीटॉप इट इज़ गुड यार, नो मैटर वॉट, जम्मू में जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़ रही है लेकिन यहाँ पर अच्छा मज़ा आता है, बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव काइंड ऑफ फीलिंग जो है ना वो यहाँ पर आती है। और यह जगह है क्या, चिली गार्लिक नूडल्स। क्वांटिटी ठीक है बट आई थिंक क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज़ पर प्राइस, ठीक है। रेडनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, आप टेस्ट कैसा है वो चेक करते हैं। और अभी आपको एक वॉक अराउंड करवाते हैं। यह आ गया इनका प्लेन एरिया, अंदर आपको सिटिंग मिल जाती है रेस्टोरेंट की, वहाँ पर भी सिटिंग मिल जाती है, वहाँ पर आ जाता है पूल एरिया, वहाँ भी कुछ है, ठीक है। चेकआउट करते हैं क्या, यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हो, अच्छा यहाँ से भी नीचे जा सकते थे, ओके तो ठीक है यार, मतलब इट इज़ गुड। हाँ एक चीज़ को बताना भूल गया कि फूड का टेस्ट अच्छा था, हमने नूडल्स मंगाए थे बिकॉज इससे पहले हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, हैवी ब्रेकफास्ट किया था और हम यहाँ पर से देखने आए थे। बट हाँ 100 रुपये की एंट्री होती है पर पर्सन, 5 साल से ऊपर अगर आपका बच्चा तो उसके 50 रुपये लगते हैं शायद, ऐसा कुछ है, और एडल्ट के लगते हैं 100 रुपया। और यहाँ पर कुछ है MD केबिन, अच्छा ये MD साहब का केबिन है। यहाँ पर आपको मिल जाता है पूल एरिया, फिलहाल इसे कवर इसलिए किया गया हुआ बिकॉज आंधी चली तूफान चला था तो पूल गंदा ना हो जाए, तो इसे हटा देते होंगे, उसकी डेप्थ कितनी है पता नहीं। सो ओवरऑल वी कैन से के इट इज़ गुड, अच्छा है यहाँ पर, फूड क्वालिटी इज़ गुड एंड यहाँ का एम्बियंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा यार। अभी हम निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से और गोइंग टूवर्ड्स नाउ होम, और रास्ते में एक जगह हम रुकेंगे एक रिलेटिव के घर पे, एंड रेस्टोरेंट वाज गुड, इसका खाना अच्छा था, एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट अगेन प्राइस के हिसाब से जाओगे आपके, एक बार मैं देखा था वहाँ पर ना कई लोग अचानक से घुस गए थे वहाँ पर, एंड देयर वाज फैमिली ऑफ 8 to 10 पीपल, ठीक है, वहाँ पर गए पहले बात 8-10 लोग आए थे तो सब ने एंट्री दी होगी, तो ऑलमोस्ट 800-1000 रुपये वो बन गया होगा। और अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने मेन्यू देखा तो जो जो मेन्यू देख रहा था उनके तोते उड़ गए थे, ठीक है, और उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था बिल्कुल ऐसे कर रहे थे भाई क्या हो गया। तो प्राइसेस जो हैं वो वैसे नहीं है, प्राइसेस कहीं ना कहीं एक 5-star प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, 5-star प्रॉपर्टी और ज़्यादा होते हैं हाँ, बट एक 4-star प्रॉपर्टी के जो है ना वो रेट्स हैं यहाँ पर। बट हमने जो खाया था टेस्ट वाज गुड, और बाकी लोग भी जो खा रहे थे टेस्ट सीम टू बी गुड, तो उस हिसाब से इट इज़ ओके, 1 time विजिट किया वहाँ पर जाओ, ठीक है, अदरवाइज ओके। तो अब आज मेरी बेइज्जती हुई, ये बंदा मेरे रोज व्लॉग देता, एक आधा घंटा मेरे कन्ने बैठे था, फिर रखा आज राहुल कौन है यहाँ, तो भाई मैं बिना गोगल के बैठा हुआ था तो बिना गोगल के मुझे लोग ने पहचानते नहीं है, अब लगा पता कौन है। हाँ। देखते हो व्लॉग, ठीक है, बोलो और शेयर करो सब्सक्राइब करो, शेयर करो सब्सक्राइब करो, आगे नहीं क्या करो, शेयर करो सब्सक्राइब करो आगे नहीं। अपना नाम बताओ, रियांश। घर कहाँ पे है, इधर है, यूट्यूब इधर कहाँ पे है, उधमपुर चन्ना। ओह वेरी नाइस, किसका नाम बता दो अपना, रियांश। चलो भाई अब आए थे रिलेटिव, बैठो बैठो जाओ 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 आना यार, दो मिनट वापस, उधमपुर में थोड़ी देर के लिए अब यहाँ से जाएंगे बिकॉज गाड़ी में, तो गाड़ी में भी हवा कम है तो निकलेंगे और फिर अब ऊपर आते हैं यहाँ से निकलते हैं। टाइम 9:03 और अभी हम पहुँचे हैं बन टोल प्लाजा, और ये हमारी पित्तू जो है ये भी यहाँ से उठ गई है। यूजुअली जब मैं गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ ना तो आप मेरे पीछे सुन रहे हो बैकग्राउंड म्यूज़िक, राइट, तो हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग या पंजाबी नंबर, इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल आया है बिकॉज इससे होता है क्योंकि आपने करके इससे बात करें बात भी कर सकते हो, वरना फोकस आपका रहता है कि गाने में क्या चल रहा है ऑल दैट स्टफ। तो अभी घर पहुँचेंगे, डिनर करेंगे और थोड़ा सा काम करेंगे और व्लॉग एडिट करेंगे, फिर जाकर सो जाएंगे। द टाइम इज़ 9:50 PM एंड आई हैव रीच्ड होम, और इनफैक्ट मैंने अभी डिनर भी कर लिया, मैंने सोचा था भैया खाना खाने के बाद फिर अच्छे से आकर चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे रूम में। और जैसे ही पहुँचा, जैसे मैंने रूम का डोर खोला तो लाइट चली गई ऐसी, और बाहर अभी हल्के हल्के बादल जो हैं वो आ रहे हैं
एंड आई थिंक बारिश जो है वो आ सकती है, और अगर बारिश आई थोड़ा सा तूफान चला तो फिर बिजली वाले लोग जो हैं वो कर देंगे बंद। एनीवेज थैंक यू सो मच, अभी के लिए करते हैं व्लॉग को खत्म, और आप लोग इसी तरह देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए यंग सन व्लॉग्स। मैं हूँ राहुल, टेक केयर बॉय, सी यू, जय माता दी एंड जय हिंद।